अस्सलाम वालेकुम, ब्राइट फ्यूचर मॉडल हाई स्कूल क्लास 12 लेक्चर नंबर 15 सब्जेक्ट इंग्लिश। सब बच्चे अपनी बुक का पेज नंबर 14 ओपन करेंगे और आज हम पढ़ेंगे यूज ऑफ दिस एंड दीज। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊंगी, जो लफ्ज होता है दिस, इसका मतलब भी होता है ये, और जो होता है दीज, इसका भी मतलब यही होता है। दिस एक चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है और दीज ज्यादा चीजों के लिए, ज्यादा लोगों के लिए, ज्यादा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे आज THIS, this IS is a GIR girl, this is a girl। इसी तरह आप अपनी बुक में देखेंगे, एक लड़की बनी हुई, एक बच्ची है, this is a girl, ये this mean, ये is mean है, a mean a, girl mean लड़की, girls को तुम्हें क्या कहेंगे, लड़की, ये एक लड़की है। आगे इसी तरह THESE, these, AREER, these are, MY, my, these are my, PARENTS, parents, these are my parents। अब देखिए these are, अब पिक्चर में आप उसके देखेंगे कि ज्यादा है, तो हम क्या यहाँ पे लेंगे, these ज्यादा के लिए होता है, AREER mean है, हे के नमूना है, आर मीन है, MY, my, my mean मेरे, मीन ये मेरे, बढ़िए मेरे, PARENTS, parents, parents mean वालदैन, बावली बाल नाम दाल ये नून वालदैन, ये मेरे वालदैन हैं, ठीक है। एक के लिए this, ज्यादा के लिए these, ठीक है, these are my parents, ये मेरे वालदैन हैं। सब बच्चों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है, दूसरे की भी प्रैक्टिस करनी है, बॉय वाले की, फ्रेंड वाले की। कल में अब आ जाए, कल हमने पढ़ा था डेज ऑफ वीक में थर्सडे एंड फ्राइडे, आज हम पढ़ेंगे सैटरडे एंड संडे, एस ए टी क्यू आर डी ए वाई डे, सैटरडे एस यू एन डी ए वाई डे, संडे सैटरडे, संडे सैटरडे, संडे। अब आप एक बार रिपीट करते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। सब बच्चों ने इनके स्पेलिंग याद कर लिए हैं, इनको कॉपी में नीट और क्लीन लिखना है। कल मिलेंगे नए लेसन के साथ, सब बच्चे अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।